नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज फिर से आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज यह है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी रेस लड़ी हैं, उन रेसों में आप कुछ जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं, लेकिन आज जो कोरोना वायरस के चलते जो रेस आज के दिन जो देश में चल रही है, उस रेस में और आपकी रोज़मर्रा की जो रेस है उस रेस में एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो बराबर है, वो है दौड़ना भागना। लेकिन जिंदगी में, आप लोगों की ज़िंदगी में पहली बार एक ये ऐसी रेस आई है जिसमें जो लोग भागेंगे वो हारेंगे और जो रुकेंगे वो जीतेंगे। आप लोग इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भागेंगे वो हारेंगे और जो बैठेंगे वो जीतेंगे। इसका मतलब यही है, आप लोग घरों में रहें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घरों में एक जगह डटे रहें, रुके रहें, भागा दौड़ी न करें और एक जगह रुक के इस रेस को जीतें। मेरी आपसे यही विनती है। पीएम मोदी जी ने जो घरों में रहने के लिए जो अपील की है, उस अपील के थ्रू मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कहानी के थ्रू। जब शत्रु अदृश्य हो तो हमें उससे छुपना ही बेहतर होता है, इसीलिए पीएम मोदी जी ने हम सबको कहा है कि आप लोग घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकलें, इसी में हम कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूँगा जो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूँ। रामायण में भी जब लक्ष्मण रेखा पार करने पर सीता को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, वैसे ही आज जो 21 दिन का जो कर्फ्यू लगा है, जो 21 दिन की लक्ष्मण रेखा खींची गई है पीएम मोदी जी के द्वारा, वो लक्ष्मण रेखा भी उसी लक्ष्मण रेखा के जैसे है। अगर आप इस लक्ष्मण रेखा को, इस 21 दिन की अवधि को, 21 दिन अवधि से पहले अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। धन्यवाद।